नमस्कार बच्चों, नालंदा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मुद्रा, ठीक है ना। उसका नाम है मुद्रा। तो हम लोग मुद्रा के भले में बारे में भली भांति जानते हैं कि मुद्रा क्या, कि जो आज हम लोगों के पास में नोट व सिक्के हैं वही क्या कहलाते हैं, मुद्रा कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मुद्रा की जब उत्पत्ति की बात हो रही है तो हम आपको क्या बताए थे, मानव समाज जैसे ही विकसित हुआ था विनिमय करने लगे थे। और जब आरंभ में जो आपस में विनिमय होता था वो वस्तु विनिमय माध्यम होता था, जिसे हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम के वस्तु विनिमय माध्यम। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि उसमें समस्या था छोटे वस्तुओं को लेन देन में तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती थी, किंतु जब बड़े वस्तुओं की लेन देन की बात आने लगी तो समस्या उत्पन्न होने लगी। क्योंकि जब बहुत अधिक क्वांटिटी में, बहुत अधिक मात्रा में जब देना पड़ता था तो वस्तुएं क्या थी उस समय, अनाज, तो अनाज क्या होते थे, नष्ट हो जाते थे। फलस्वरूप वो असुविधा को दूर करने के लिए यहाँ पर बुद्धिजीवियों ने जिस वस्तु का निर्माण किया, जो काल्पनिक अवधारणा को बनाया, उसी अवधारणा को बोला गया मुद्रा। तो आरंभ में हम लोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्या उपयोग होता था, उपयोग होता था वस्तु। तो जो भी विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए उसे हम लोग क्या कहते थे, मुद्रा, ठीक है ना। अब जैसे मुद्रा का हम लोग उत्पत्ति की बात किए, तो जैसे जैसे समय आता गया, पहले पत्थर का बना, फिर उसके बाद लोग धातु के विषय में समझे, तो जब धातु समझे तो उसको गलाना शुरू किए, उस पर अपना प्रतीक चिन्ह लगाना शुरू किया, फिर सोने का, तांबे का, चांदी, एल्युमिनियम, फिर क्या हो गया कि हम लोग क्या जान लिए, प्रिंटिंग के बारे में। जब हम लोग प्रिंटिंग के बारे में जाने तो हम लोग क्या हुआ, छपी हुई मुद्रा लाने लगे। तो जब छपी हुई मुद्रा की बात आई तो सबसे पहला छपा हुआ मुद्रा, मतलब कागजी मुद्रा, किस देश ने लाया था, वो लाने वाला देश था चीन। उसने उस मुद्रा का नाम क्या दिया, फ्लाइंग करेंसी। और जब भारत पर इफेक्ट का बात आएगा तो भारत में पहला कागजी मुद्रा छापने वाला कौन था, कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। कब छापा था, 1812 में, ठीक है ना। जब जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे, तीन, कौन कौन थे, बैंक ऑफ बंगाल, जबकि इसका आरंभ में नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। 1809 में इसका नाम बदलकर किया गया बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक। तो जो बैंक ऑफ बंगाल जो स्थापित किया गया था, भारत में पहला कागजी मुद्रा छापने वाला बैंक बैंक ऑफ बंगाल था, ठीक है ना। अब जब यहां बैंक बात हो गई उत्पत्ति की, अब यहां पर देखते हैं कि मुद्रा के विषय में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहला बात यहां पर है कि सर जॉन मार्शल ने क्या कहा कि आज की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात है तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर वह धुरी है, आज हम लोग कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुद्रा अर्जन करना। जैसे मेरा पढ़ना और आपका पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा तो मुद्रा अर्जन होगी, और आप पढ़ोगे, आप सिलेक्शन लोगे तो आपकी मुद्रा, तो आपको मुद्रा अर्जन होगी। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या रहा, मुद्रा। तो क्या हुआ, यही एक धुरी है जिसके लिए चारों ओर हम लोग घूम रहे हैं, ये कथन किसने कहा था, सर जॉन मार्शल ने। फिर बात आती है क्राउथर और क्रॉमर, याद रखिएगा ये दो नाम हमेशा कंफ्यूज करता है कि क्राउथर और क्रॉमर। तो क्राउथर ने क्या कहा था कि आधुनिक समय के लिए कि जो मनुष्य द्वारा तीन प्रमुख आविष्कार थे, क्या क्या थे, हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, आग, पहिया और नाव, ठीक है ना। किंतु इनके अनुसार क्या, इन्होंने पहिया नहीं रखा, क्यों, पहिया का आकार क्या था, गोल, ठीक है, और सिक्का का भी आकार रहा गोल। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आधुनिक समय के लिए जो मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा रहे तीन प्रमुख आविष्कार थे उसमें आग, सिक्का और नाव, जिसमें सिक्का एक प्रमुख था। यह कथन किसका था, क्राउथर का। और क्रॉमर ने अब क्या कहा, क्रॉमर ने कहा मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तात्पर्य क्या रहा
कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास में मुद्रा होती है, हम लोग क्या करते हैं उसको, उसका निवेश करते हैं, और निवेश करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, पूंजी निर्माण। जितना मान लो जैसे आप बचत करते हो, जैसे बैंक में बचत किए, पोस्ट ऑफिस में बचत किए, तो जब वहां बचत करते हो तो वो बचत किस रूप में परिणित होती है, वो बचत अगर आप 10,000 जमा करते हैं तो वहां से कुछ बढ़ाकर मिलता है, दैट मीन्स क्या हुआ, पूंजी का निर्माण किया, मतलब आपकी संपत्ति बढ़ी। तो ये उन्होंने बात कहा कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। प्री में क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, क्राउथर और क्रामर दोनों ही ऑप्शन देता है। फिर नेक्स्ट बात है ग्रेसम की, ग्रेसम यहां प्री में पूछता है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्रेसम का नियम जो है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा का प्रचलन मतलब कि उनका कहना था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अब ये देखो बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा का तात्पर्य यहाँ क्या है कि हम लोगों का जो बचत करने का जो अवधारणा है, हम लोग क्या बचत करते हैं, हम लोग बचत करते हैं बड़ी राशि, ठीक है ना, बड़ी मुद्रा जो होती है हम लोग की, हम लोग उसको बचाने के, जैसे अगर आपके पास में 500 और 2000 का नोट हो, अगर बचत करने की बात आएगी तब 2000 रुपए का नोट उसको बचत में रखोगे, तो जो 2000 आपने उसको बचत के लिए रखा वो क्या हो गई, अर्थव्यवस्था प्रचलन में आई नहीं, वो आपकी बचत में चली गई, फलस्वरूप तो वो बुरी मुद्रा कौन होगी, ये छोटी मुद्रा है जो धीरे धीरे क्या हो रही है, विमुद्रीकरण जिनका कर दिया, जैसे आज वर्तमान समय में 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे, इन सभी की गिनती किस में होगी, बुरी मुद्रा में, अर्थात जिनको लीगल टेंडर प्राप्त नहीं है, जिनको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, वो मुद्राएं हो जाएंगी बुरी मुद्रा, और वे क्या होती हैं, प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। लेकिन यहां बात हुआ नहीं, यहां अच्छी मुद्रा का तात्पर्य है उनका बोलने का कि बड़ी मुद्राओं से, जो बड़े सिक्के हैं, बड़ी नोट्स जो हैं 500 और 2000 के नोट, उनको हम लोग बचाने की प्रवृत्ति में हम लोग उनको ज्यादा बचत करते हैं, फलस्वरूप उन्होंने कहा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। क्लियर। अब इसी का जब ऊपर हम लोग निचोड़ देखें तो उसी के निचोड़ के आधार पर हम देखते हैं कि आखिर मुद्रा का परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, तो मुद्रा का परिभाषा दे सकते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र, मतलब अपने बड़े क्षेत्रों में किस रूप में जाना जाता है, विनिमय के माध्यम, क्या बोले, आपस में जो हम लोग लेन देन करते हैं उस माध्यम के रूप में, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक का मतलब क्या हो गया कि जो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं अथवा बेचते हैं हम लोग उसका मूल्यांकन किस में करते हैं। जैसे आपको बताया ये पेन, हम तो पेन का मूल्य नहीं कहेंगे भाई 2 kg चावल है 5 kg आटा है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, हम आपको एक मूल्य बताएंगे भाई इसका मूल्य 10 रुपये है 20 रुपये है, तो ये जो रुपये में हमने प्रदर्शित किया है वो क्या रहा, इसका मूल्यांकन किया हमने, वही क्या हुआ, मूल्य का मापक। फिर वह मूल्य का संचय, जो अभी आपको हम बचत वाली बात बताए, तो हम लोग की बचत करने की जो प्रवृत्ति है, हम लोग की बचत करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बड़े मुद्राओं को, जैसे सब हम लोग के आपातकाल परिस्थिति के लिए हम लोग हमेशा अपने पॉकेट में अथवा घर में मुद्रा रखते हैं, तो कौन सी मुद्रा रखते हैं, छोटी मुद्रा या बड़ी मुद्रा को, हम लोग रखते हैं बड़ी मुद्रा को। तो क्या हो गया कि यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और मूल्य के संचय के साधन के रूप में जाना जाए, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो ये था हम लोग का मुद्रा की उत्पत्ति और उनकी परिभाषाएं और उसके विषय में किसने क्या कहा, ठीक है, इसके आगे की व्याख्यान हम लोग फिर आगे करेंगे। यदि आपकी वीडियो पसंद लगा हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें, धन्यवाद।